अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। ओके स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉन्ग इन चैप्टर नंबर 11 एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इंटेंसिटी। वी आर डिस्कस अबाउट द साउंड इंटेंसिटी लेवल इन प्रीवियस लेक्चर। सो नाउ वी शैल स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की डेफिनेशन हम कर चुके थे। मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर रही थी इंटेंसिटी लेवल को, जिसमें हमने रेंज डिस्कस की थी कि ऑडियो बर्ड रेंज क्या होती है ह्यूमन बींग्स की, व्यूअर्स की। अब हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि इंटेंसिटी लेवल जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, इंटेंसिटी डिपेंड कर रही होती है किस पर। इंटेंसिटी हमारे पास डिपेंड कर रही होती, लाउडनेस जो है वो डिपेंड कर रही होती है इंटेंसिटी पर, ठीक है। लाउडनेस किस पर डिपेंड कर रही होती है? इंटेंसिटी पर। और लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इंटेंसिटी, बट लॉग इंटेंसिटी, लॉग इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। ये हमें साइंटिस्ट जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बताया था कि लाउडनेस हमारे पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, लॉग इंटेंसिटी के। अब अगर मैं यहाँ पर जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाऊँ, जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इक्वल टू, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर आएगा के, ठीक है। फिर मैं बात करूँगी अननोन साउंड की, लाउडनेस, अननोन लाउडनेस की और अननोन जो है वो इंटेंसिटी लेवल की, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे लाउडनेस को एल नॉट से और इंटेंसिटी को आई नॉट से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारे पास लाउडनेस ऑफ अननोन हमारे पास आ जाएगी, सॉरी फेंटेस्ट साउंड जो लाउडनेस होगी वो हमारे पास होगी एल नॉट, और फेंटेस्ट जो इंटेंसिटी लेवल होगा वो होगा आई नॉट, जो कि हमारे पास था 10^-12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें कि हमारे पास जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, इंटेंसिटी के लॉग आई के। सो यहाँ पर भी हमारे पास एल नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा लॉग आई नॉट के, और यहाँ भी अगर हम जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट लगाएंगे तो वो के होगा, के सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, इक्वल टू के लॉग आई नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब जो है वो हम डिफरेंस लेते हैं, यानी इन दोनों को माइनस करते हैं इक्वेशन, हम इसको नाम दे देते हैं हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं या डिफरेंस ले लेते हैं। आप सिंपल वर्ड्स में कहें तो एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट, ठीक है। यहाँ पर k हमारे पास क्या आ जाएगा, k हमारे पास कॉमन आ जाएगा, log i इज इक्वल टू log i नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, नाइन्थ में आपने मैथ में की होगी कि log i माइनस log i नॉट जो है वो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, या ला आप इसे कह लें कि log जो है वो i ओवर i नॉट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब हम लाइक अप्लाई करेंगे एल माइनस एल नॉट जो है वो साउंड इंटेंसिटी लेवल, इसको हम क्या कहेंगे, साउंड इंटेंसिटी लेवल कहेंगे। अब k जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, और इसका यूनिट जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका यूनिट हम फाइंड आउट करेंगे कि के का यूनिट जो है वो साउंड लेवल इंटेंसिटीज़ का यूनिट ऑफ के, क्योंकि हमने यहाँ पर के जो है वो फाइंड आउट करना है, तो हम के को जो है वो यहाँ रखेंगे लॉग आई ओवर आई नॉट जो है वो साउंड लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल के जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, और जब हम इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करें, यहाँ हम के यूनिट जो है के का जो है वो यूनिट फाइंड आउट करें। अब के इज इक्वल टू हमारे पास साउंड लेवल, जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि साउंड लेवल को जो हमारे पास साउंड लेवल है इसको हम किस में फाइंड आउट करते हैं, बेल में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और लॉग इंटेंसिटीज़ जो है, इंटेंसिटीज़ को हम वॉट पर मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो अननोन इंटेंसिटी है वो इक्वल टू होगी फेंटेस्ट जो हमारे पास इंटेंसिटी आई नॉट है वो, यानी कि हमारे पास जो अननोन इंटेंसिटी है वो 10 times जो है वो ग्रेटर होगी आई नॉट से। तो आई नॉट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, जो हमारे पास अननोन इंटेंसिटी आ जाएगी। अब जो है वो अननोन इंटेंसिटी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, हम 10 आई नॉट पुट कर देंगे। तो 10 आई नॉट जब हम पुट करेंगे, आई नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बेल ओवर लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो बेल ओवर 1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, बेल के आ जाएगा, ठीक है। बेल जो है वो हमारे पास ग्रेटर यूनिट है, यूनिट किसका है, के का। किसका यूनिट हम फाइंड आउट कर रहे थे, हम जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यूनिट फाइंड आउट कर रहे थे, तो ये ग्रेटर यूनिट है। हम इसको स्मॉल यूनिट में भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, डेसिबल होता है। अब डेसिबल में अगर हमने जो है वो साउंड इंटेंसिटी लेवल को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पुट करेंगे साउंड लेवल या साउंड इंटेंसिटी लेवल 10 के लॉग आई ओवर आई नॉट। यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 10 पुट करेंगे किसके लिए, बेल को जो है वो डेसिबल में
कन्वर्ट करने के लिए। अगर हमने बेल में फाइंड आउट करना है तो बेल में तो हमारे पास सिंपली आपके पास आ जाएगा इंटेंसिटी लेवल लॉग आई ओवर आई नॉट। अगर हमने जो है वो डेसिबल में फाइंड आउट करना है तो 10 लॉग आई ओवर आई नॉट हमारे पास आ जाएगा, जो कि इसका स्मॉलर यूनिट है। ये हमारे पास था साउंड इंटेंसिटी लेवल। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फिर अमानुल्लाह, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स।